हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रश्मीज़ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और साबूदाने की टिक्की। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैं ली हूँ 4 मीडियम साइज बॉयल किए हुए आलू, 50 ग्राम साबूदाना, 4 घंटे पानी में सोख किए हुए, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला गार्निशिंग के लिए लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ। अब मैं सबसे पहले आलू को मैश कर लूँगी। यह देखिए, मैंने आलू मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी साबूदाने जिसे मैंने सोख करके रखा है, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, जिसने कम तीखा खाना है वो थोड़ा कम डालेंगे, काली मिर्च कूटी हुई बारीक कटे हुए, प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार। अब मैं इसे मिलाऊंगी। ये देखिए, मैंने साबूदाने की टिक्की के लिए सब तैयार कर लिया है। आलू में सभी इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब इसे शेप देने के, अब सबसे पहले मैं गैस ऑन पर कर लूँगी और इसे मैं सेप दूंगी। इसके लिए मैं रिफाइंड लूंगी थोड़ा सा, जिसे हाथ में लगाकर, और इसके छोटे छोटे पेड़े ले लूंगी और मैं इसे गोल आकार, गोल शेप दे रही हूं। आप चाहें जिस भी शेप में इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ये टिक्कियाँ मैंने डाल दी हैं। आलू और साबूदाने की टिक्की हमें हम लोग व्रत में भी यूज कर सकते हैं। इसमें प्याज ना डालें और सेंधा नमक डालकर बना लें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब इसे हम उलट देंगे दोनों साइड बराबर तलेंगे। ये बहुत ही क्रंची और अच्छा स्नैक्स है, इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये देखिए, अब हमारी टिक्की दोनों तरफ से सुनहरी हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस अपनी बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे हमने निकाल लिया है सर्विंग प्लेट में। इस पर चाट मसाला छीटेंगे और सॉस के साथ इसे खाएंगे। यह है हमारा टेस्टी आलू साबूदाने की टिक्की। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।